किसान मित्र चैनल में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज हम जानेंगे 1555 करोड़ के बारे में। ग्राम पंचायतों में कार्य को गति देने के लिए मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज पंच परमेश्वर योजना के अंतर्गत 14वें वित्त आयोग की 1555 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। यह राशि पंचायतों को मिलेगी और इससे पंचायत क्षेत्र में नए कार्य किए जा सकेंगे। राज्य शासन द्वारा ग्राम पंचायतों को दी जा रही राशि से जो कार्य होंगे उन्हें प्रमुख रूप से 4 भागों में वर्गीकृत कर वार्षिक व्यय सीमा निर्धारित की गई है, जिसमें 75% राशि नवीन अधोसंरचना कार्यों में, 10% पेयजल व्यवस्था संबंधित कार्यों में, 7.5% संधारण कार्यों में और 7.5% राशि कार्यालय व्यय पर खर्च की जा सके। अब जानते हैं विस्तार से। नवीन अधोसंरचनात्मक कार्य में ग्राम पंचायतों में 75% राशि नवीन अधोसंरचनात्मक कार्यों में व्यय कर सकेगी, जिनमें सीमेंट कंक्रीट सड़क एवं पक्की नाली निर्माण, गौशाला निर्माण, रपट पुलिया निर्माण, ग्राम पंचायत आबादी क्षेत्र शासकीय भवनों तथा शमशान घाट कब्रिस्तान को आबादी क्षेत्र से जोड़ने वाले रास्तों पर बाउंड्री वाल निर्माण, पंचायत भवन कब्रिस्तान शमशान घाट स्कूल आंगनवाड़ी शासकीय भवन सामुदायिक भवन कांजे हाउस पुस्तकालय भवन बाजार चबूतरे दुकान निर्माण, ग्राम चौपाल के लिए चबूतरा निर्माण, यात्री प्रतीक्षालय फेयर ब्लॉक सड़क सामुदायिक शौचालय शासकीय भवनों में महिला पुरुष शौचालय निर्माण और LED स्ट्रीट लाइट ऊर्जा विभाग के स्पेसिफिकेशन अनुसार। सार्वजनिक पार्कों का निर्माण, पार्क में पेवर ब्लॉक बेंच फुटपाथ लाइट तथा पानी की व्यवस्था और निःशक्त जनों के लिए बाधा रहित वातावरण निर्माण एवं रेप निर्माण कर सकेंगे। अब जानते हैं पेयजल व्यवस्था संबंधित कार्य। पेयजल अंतर्गत एक वित्तीय वर्ष में प्राप्त होने वाली राशि में से 10% राशि का उपयोग पेयजल व्यवस्था के लिए किया जा सकेगा। पेयजल व्यवस्था में ऐसी नल योजना जो ग्राम पंचायतों द्वारा संस्थापित की गई है उनका संधारण, ऐसी नल जल योजना जिन्हें PHE द्वारा स्थापित कर ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित किया गया है उनका संधारण, पेयजल प्रदाय के लिए पाइपलाइन विस्तार, सिंगल फेस मोटर का क्रय, पेयजल एकत्रित करने के लिए भूस्तर टंकी निर्माण, रेडीमेड टंकी क्रय और पशुओं के लिए पानी पीने के लिए संरचना निर्माण का कार्य किया जा सकेगा। अब साधारण कार्य, एक वित्तीय वर्ष में प्राप्त होने वाली राशि में से 7.5% राशि का उपयोग ग्राम पंचायत क्षेत्र में निर्मित स्थायी परिसंपत्तियों के संधारण एवं साफ सफाई कार्य के लिए किया जा सकेगा। संधारण कार्य में पंचायत भवन मरम्मत तथा अन्य शासकीय भवनों की मरम्मत, पुताई, बिजली की फिटिंग, शासकीय पंचायत के भवनों में शौचालय का निर्माण एवं संधारण, स्टाफ डैम चेक डैम मरम्मत, गेट सुधार, ग्राम पंचायत की साफ सफाई का कार्य, साफ सफाई से संबंधित सामग्री क्रय, पुराने पेयजलों कूपों बावड़ियों का सुधार, पंचायतों के स्वामित्व वाले टैंकर की मरम्मत, टायर ट्यूब बदलना, घाटों की पुताई एवं साफ सफाई के लिए किए जा सकेंगे। अब जानते हैं कार्यालयीन व्यय। इसके अंतर्गत योजना अंतर्गत एक वित्तीय वर्ष में प्राप्त होने वाली राशि में से 7.5% राशि का उपयोग कार्यालयीन व्यय प्रशासनिक व्यय हेतु किया जा सकेगा। इसके अंतर्गत पंचायत भवन में फर्नीचर क्रय एवं फर्नीचर मरम्मत, टेंट का किराया, कार्यालयीन स्टेशनरी, नेट सेंटर का मासिक भुगतान अधिकतम ₹500 प्रति माह तक, BSNL एवं सेवा प्रदाता कंपनी का ब्रॉडबैंड का मासिक भुगतान, कंप्यूटर सामग्री क्रय एवं मरम्मत बीमा, वार्षिक रखरखाव भत्ते, चौकीदार सफाई कर्मी, पंप ऑपरेटर का वेतन, मानदेय, बिजली बिल, राष्ट्रीय पर व्यय व्यवस्था एवं पुरस्कार वितरण, ग्राम पंचायतों एवं ग्राम सभाओं की बैठकों में चाय नाश्ता, पंचायत कार्यालय का किराए का भवन होने की स्थिति में देय किराया, समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं, स्टेट टॉप बॉक्स का व्यय, इन्वर्टर एवं बैटरी, ग्राम पंचायतों के स्वामित्व वाले टैंकर ट्राली, कचरा गाड़ी, जनरेटर के लिए उपयोग होने वाला
डीजल विभिन्न सार्वजनिक आयोजन पर होने वाले व्यय और डीजल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए पॉइंट ऑफ सेल POS मशीन का क्रय की जा सकेगी। अब हम जानेंगे कि कौन कौन से कार्य प्रतिबंधित रहेंगे। ग्राम पंचायतों को योजना अंतर्गत उपलब्ध करवाई गई राशि से हैंडपंप खनन एवं उसका संधारण, नलकूप खनन, मोटर पंप क्रय, पेयजल परिवहन पर व्यय, मुरमरीकरण, ग्वेल रोड स्टॉप डैम, चेक डैम निर्माण, किसी भी पत्रकार के वाहन का क्रय, स्वागत द्वारा प्रतिमा स्थापना, ISO प्रमाणीकरण पर व्यय, सौर ऊर्जा लाइट पर व्यय, एयर कंडीशनर क्रय, मोबाइल पानी का टैंकर और विज्ञापन पर व्यय नहीं किया जा सकेगा। तो मित्रों, ये थी पूरे 1555 करोड़ की जानकारी। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करिए ताकि और भी ऐसी कोई भी योजना हो किसान से संबंधित, वो योजना मैं आप तक जल्द से जल्द पहुंचा सकूं। धन्यवाद।